गाइस, दिस इज गिरधारी साहू और आप देख रहे हैं टेक वी चैनल्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐप MIT ऐप इन्वेंटर का, जिसके जरिए हम एक होम ऑटोमेशन कर सकते हैं हमारे, जैसे कि घर का लाइट, फैन, टीवी, फ्रिज एट्सेट्रा, ऑल आर कंट्रोल। तो ये हम हमारे मोबाइल में एक ऐप बनाएंगे जिसके जरिए हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम एक असिस्टेंट भी रखे हुए हैं, इसके असिस्टेंट से हम जैसे बोलेंगे तो ये कंट्रोल करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे सामने एक स्क्रीन है होम ऑटोमेशन का, ये ब्लूटूथ कनेक्ट होगा और ये असिस्टेंट होगा और लाइट ब्राइटनेस कंट्रोल होगा और होम ऑटोमेशन का जो एक बटन होगा। तो इसमें हम लिए हुए हैं एक स्क्रोल अरेंजमेंट है जो मैं एक एक डिस्कस कर लेता हूँ। ये पूरा स्क्रीन का लेवल है, ये लेवल में वो शो करेगा। ये स्क्रीन स्क्रोल हॉरिजॉन्टल स्क्रोल अरेंजमेंट है, ये ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए लिस्ट पिकिंग करेगा। जैसे कि एक इमेज है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। ये बटन क्या करेगा, जैसे कि हमारा होम असिस्टेंट बोलते हैं तो ये क्या करेगा, जैसे कि क्लिक करूँ तो ये गूगल असिस्टेंट तरह काम करेगा। तो ये है वर्चुअल अरेंजमेंट, इसके अंदर LED कंट्रोल का एक बटन है और होम असिस्टेंट का ये लेवल 4 और लेवल 3 डिस्टेंस के लिए दिए गए हैं, इसका कोई काम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अच्छे दिखने के लिए हम इमेज रखे हुए हैं, बाकी सब स्पीच रिकॉग्नाइजर है और ब्लूटूथ, ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है साउंड, और ये सब है टेक्स्ट टू स्पीच, तो हम जो कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा होम स्क्रीन के, जैसे कि और हम टोटल 4 स्क्रीन यूज किए हुए हैं। तो मैं सिंपली जाऊँ होम ऑटोमेशन के लिए, जैसे होम ऑटोमेशन क्लिक करूँ तो ये आ जाएगा। तो इसमें हम बहुत किए हुए हैं, जैसे कि मैं शुरू से बताता हूँ। तो ये है होम ऑटोमेशन का पूरा स्क्रीन, और बात करूँ है सेंटर में कर देते हैं तो और अच्छा। तो ये है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जिसमें कि हम एक बटन दिए हुए हैं और इसके अंदर एक दो लेवल दिए हुए हैं, जिसमें कि हमको इंस्ट्रक्शन दिखाई दे जो बोले। तो और एक लिस्ट स्पीकर है, जैसे कि स्क्रीन वन में भी हम लिस्ट स्पीकर ले हुए थे, यहाँ पे भी हम ले हुए हैं। तो और इसके बाद एक लेवल दिए हुए हैं जिसके इसका डिस्टेंस करने के लिए, लैब के डिजाइन के लिए। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो बटन हुए हैं, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू क्या होता है, जैसे कि मैं लिस्ट व्यू को क्लिक करूँ ये सारे लिस्ट में आ जाएगा, और ग्रिड व्यू में जैसे कि ये वाला हमारा है। तो ये तो है सिंपली, ये हम मैं क्या करूँ, ये है लिस्ट व्यू, इसको मैं अनविजिबल कर दिया हूँ। जैसे मैं एक विजिबल कर दूँ तो ये क्या होगा, एक लिस्ट के तरह हमको शो करेगा। ओके, तो जैसे लिस्ट व्यू क्लिक करूँ तो ये विजिबल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सिंपली एक इमेज है लाइट का और दो बटन है, और लैम्प का लाइट इमेज है और दो बटन है, और फैन का लाइट इमेज है और दो बटन दिए हुए, एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए, म्यूजिक के लिए, एक टीवी के लिए और एक एसी के लिए। तो ये तो एक लिस्ट व्यू के लिए सारे। तो इसको मैं जैसे विजिबल अप कर दूँ तो ये जैसे दबाऊँ इस बटन को तो वो विजिबल हो जाएगा। तो ये तो एक था, जैसे हाँ ये तो लिस्ट व्यू का था, मैं जैसे लिस्ट व्यू को मैं अप कर दूं। ओके, तो एक ये रहा ग्रिड व्यू का। ग्रिड व्यू में सिंपली हम क्या किए हुए हैं, एक बटन है लाइट बटन, लैंप बटन,
म्यूजिक बटन, एसी बटन, टीवी बटन, फैन बटन, एक एक बटन लिए हुए हैं सारे को, और उसका बैकग्राउंड में हम इमेज चेंज कर दिए हैं। और जैसे कि लाइट बल्ब का इमेज है, तो हमारा बहुत सारा इमेज हम यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, इतना सारा, तो इस ये प्रोजेक्ट के लिए हम किए हुए हैं। तो ये था एक लैम्प का प्रोजेक्ट, ये लैम्प के लिए, एक फैन के लिए, ये म्यूजिक के लिए, ये टीवी के लिए, ये एसी के लिए। तो ये तो हो गया हमारा पूरा ये वाला होम ऑटोमेशन के लिए। तो हम सिंपली एक डिजाइन किए हुए हैं फॉर डिटेल क्लिक हियर, और एक यहाँ पे तीन बटन लिए हुए हैं, एक बैक के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए और नेक्स्ट के लिए। तो ये हम किए हुए हैं। और एक बात, तो इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन में हम दिखाए हैं कि कौन सा, कैसे हम ये ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस कमांड क्या करना है, ऑल ऑन, लाइट ऑफ, लाइट लैंप ऑन, लैंप ऑफ, फैन फैन ऑन, फैन ऑफ, म्यूजिक ऑन, म्यूजिक ऑफ, टीवी ऑन, टीवी ऑफ, ये सब। तो ये इंस्ट्रक्शन के तरह हम दिए हुए हैं, तो जो भी जैसे कि इजी हो ऐप को ऑपरेट करने के लिए। तो हम सिंपली आ जाते हैं होम ऑटोमेशन के। तो ये तो एक फ्रंट एंड डिजाइन हो गया पूरा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो ये सब अपने हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं। हाइट 200 पिक्सल किए हुए हैं, विथ 50 पिक्सल, और इमेज और सेम हो गया है। तो ये सारे जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में हम कैसे MIT ऐप इन्वेंटर डिजाइन करना, जैसे बटन सेट करना हम बताए दिए हुए हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो ये तो था जैसे कि इसका मैं तो डिजाइन हुआ। और जैसे कि मैं इसका ब्लॉक सेक्शन में आ जाऊँ, ब्लॉक सेक्शन में आऊँ तो यहाँ पे मैं कोडिंग किए हुए हूँ। तो एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैं होम ऑटोमेशन को बैक प्रेस करूँ तो क्या हो, क्लोज स्क्रीन हो जाए। जैसे कि मैं होम स्क्रीन में आ जाऊँ तो ये दो बटन मैं सिंपली किए हूँ, जैसे कि हमारा फोन का बैक प्रेस हो वो हो, और जैसे कि ये वाला मैं सिंपली आ जाता हूँ, ये इसको हम जैसे क्लिक करें तो वो वापस हम स्क्रीन में जा सकते हैं। तो ये तो हो गया। और जैसे कि मैं ग्रिड व्यू बटन को क्लिक करूं तो इसमें दो हम हॉरिजॉन्टल जैसे लिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल का, तो ये बटन को जैसे क्लिक करूं तो लिस्ट व्यू फॉल्स हो जाए और ग्रिड व्यू ट्रू हो जाए। जैसे कि ग्रिड व्यू को क्लिक करूं और लिस्ट व्यू को जैसे क्लिक करूं तो लिस्ट व्यू का जो है वो विजिबल ट्रू हो जाए और फॉल्स हो जाए। तो इसे हम किए हुए हैं। और जैसे कि इसके बाद हम लिस्ट स्पीकर जो कि हम किए हुए हैं ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए, ये वाला आप पूरा विदाउट इंटरनेट कनेक्शन से होगा ब्लूटूथ से, और आने वाले सीरीज में इंटरनेट कनेक्शन के में जैसे कि IoT के बेस पर ये आप भी हम कर सकते हैं। तो ये आज के लिए ये करेंगे। तो जैसे कि लिस्ट स्पीकर 1 को पिक करे तो ब्लूटूथ क्या हो जाए, हम जो ब्लूटूथ कनेक्शन Arduino से किए हुए हैं उसका नेम एंड एड्रेस हम इसको कनेक्ट कर लें। तो ये रहा क्लॉक के लिए, जैसे कि टाइम कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ कनेक्टर लिखे सेट लेवल 2 में, और कनेक्टर लिखे और नॉट कनेक्टर लिखे। यदि ब्लूटूथ कनेक्टर हो जाए तो कनेक्टर लिखे, और कनेक्टर ना लिखे तो नॉट कनेक्टर लिखे। तो ये तो रहा जैसे कि मैं ये वाला पार्ट होम को क्लिक करूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोग्राम किए हुए हूँ। तो जैसे मैं होम को क्लिक करूँ तो क्या हो, जैसे कि हाँ एक खास बात ये है, तो इसके लिए हमको एक प्रोग्राम के लिए ज़रूरत होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम भी लिखा हुआ हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें मैं 3-5 कनेक्शन लिए हुए हूँ। एक तो ये तो पूरा प्रोग्रामिंग है, जैसे कमांड लाइट ऑन हो और हाई लाइट ऑफ हो, तो ये वाला कमांड है लाइट के लिए, और कमांड लाइट ऑफ एंड कमांड लाइन लैम्प ऑन तो हाई हो जाए, और लैम्प ऑफ के लिए लो हो जाए, फैन ऑन के लिए कमांड ये हम दिए हुए हैं।
तो ये तो सारे कमांड जैसे कि ऑल ऑन हो तो क्या हो, सब जैसे कि जितने भी कनेक्शन हो सब हाई हो जाए, और जैसे कि मैं ऑल अप करूं तो सारे लो हो जाए। ये तो पूरा कमांड है। तो जैसे कि मैं फिर से आ जाता हूं, जैसे कि होम बटन को क्लिक करे तो ब्लूटूथ क्लाइंट को क्या करेगा, ये कमांड दे ऑल ऑन करने के लिए। तो जैसे मैं ये ऑल ऑन हो जाए और हमारा कमांड में भी ये शो करे। और जैसे कि हम स्पीक करें, जैसे कि हम स्पीक लगाए हुए हैं टेक्स्ट टू स्पीच, तो वो भी हमको कॉल करें, जैसे कि नोटिफिकेशन दे ऑल ऑन के लिए। तो ये तो है होम बटन सिंपली क्लिक करने के लिए। और जैसे कि लॉन्ग क्लिक है, वो सिंपली क्लिक करने के लिए और लॉन्ग क्लिक करें तो क्या हो जाए, ये ऑफ हो जाए। तो सारे जैसे कंपोनेंट हैं ये सारे ऑफ हो जाए। उस तरह लाइट का भी वही प्रोग्राम लिखे हुए हैं, जैसे सिंपली क्लिक करें तो लाइट ऑन हो जाए और लॉन्ग क्लिक करें तो लाइट ऑफ हो जाए। इसमें टू टाइप का प्रोग्रामिंग किए हुए हैं हम। जैसे कि लैंप को जैसे कि यहाँ पे मैं और एक बार दिखा दूँ, तो लैंप को जैसे मैं सिंपली क्लिक करूँ तो लैंप ऑन हो जाए और लॉन्ग क्लिक करूँ ये ऑफ हो जाए। इस तरह हम डिजाइन किए हुए हैं। तो लैंप को सिंपली मैं क्लिक करूँ तो वो लैंप ऑन और लैंप ऑफ हो जाए। टेक्स्ट टू स्पीच टू लैंप ऑन एंड 11 लाइन में ऑल्सो लैंप ऑन लिखे हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ पे हम जाना है। जैसे कि यहाँ पे हम लाइट लैंप म्यूजिक का सब बटन दिए हुए हैं, तो सिंपली हम सिंपली मैं लैंप में जैसे क्लिक करूँ तो ये है लैंप क्लिक एंड यहाँ पे वेन लैंप लॉन्ग क्लिक, तो ये दोनों बटन हम लिए हुए हैं। तो सिंपली जैसे कि ब्लूटूथ का आए तो कल ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ में चले जाना, जो ब्लूटूथ क्लाइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे है हमारा, जैसे कि कल ब्लूटूथ कल ब्लूटूथ सेंड टेक्स्ट, तो जो है वो ये वाला हमको ये वाला को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे करना है। तो ये तो था लाइट के लिए, जैसे लाइट लॉन्ग क्लिक करे तो ये है लैंप क्लिक करे तो लैंप ऑन हो जाए, होम लाइट के बाद लैंप लॉन्ग क्लिक करे तो लैंप ऑफ हो जाए, देन फैन क्लिक करे तो फैन ऑन हो जाए, और लॉन्ग क्लिक करे तो फैन ऑफ हो जाए। और जैसे कि मैं म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो म्यूजिक को सिंपली क्लिक करूं तो म्यूजिक ऑन हो जाए, कमांड क्लिक करें तो म्यूजिक को लॉन्ग क्लिक करूं तो ये म्यूजिक ऑफ हो जाए। और जैसे कि टीवी में हम लिए हुए हैं, टीवी को सिंपली क्लिक करूं तो टीवी ऑन हो जाए, तो सिंपली लॉन्ग क्लिक करूं तो टीवी ऑफ हो जाए। और जैसे कि और एक लिए हुए हैं एसी के लिए, और एसी जैसे मैं क्लिक करूं तो एसी ऑन हो जाए कमांड दे, और एसी को लॉन्ग क्लिक करूं तो एसी ऑफ हो जाए। तो इस तरह हम सारे जैसे कि ग्रिड व्यू में है सारे के सारे को हम लिए हुए हैं एसी का। और तो सिंपली मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे बल्ब है लैंप है इमेज दिए हुए हैं, तो ये तो हो गया पूरा हमारा जिस ग्रिड व्यू में जितना भी कंपोनेंट था। जैसे कि हम लिस्ट व्यू में बात कर रहे हैं, लिस्ट व्यू को मैं सिंपली क्या करूँ, इस लिस्ट व्यू में जो है विजिबल कर दूँ और एक बार, तो ये और एक अलग अलग बटन में हम बटे कर दिए हैं, ऑन के लिए एक बटन अप के लिए एक बटन, सिंपली डिफरेंट है। और हम वही इस तरह भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं और बेहतर हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा डिजाइन कर दिया हूँ। तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। तो मैं सिंपली आ जाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे विजिबल को अप कर देता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे कोडिंग पार्ट में फिर जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो लिस्ट व्यू में जो अंदर का है ये वाला पार्ट, तो हम सिंपली यहाँ को ऑन कर दें, तो एक एक इमेज का एक एक किए हुए हैं, एक लाइट के लिए और एक हर एक एक पार्ट को एक एक हॉरिजॉन्टल हम दिए हुए हैं। तो जैसे कि बटन में इसका नाम नहीं लिखा हूँ तो हम लिख सकते हैं भी, तो
सेम हो जाए इसलिए मैंने लिखा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो लाइट ऑन हो जाए और टेक्स्ट टू स्पीच सेम है। और जैसे कि यहाँ पे दो बटन किए हुए हैं, तो जैसे ऑन के लिए और ऑफ के लिए, तो ये सिंपली क्लिक ही रहेगा, लॉन्ग क्लिक यहाँ पे यूज नहीं किए हैं हम। तो बटन 12 एक लैम्प के लिए ऑन है और लैम्प के लिए ऑफ है, और जैसे कि फैन के लिए ऑन और फैन के लिए ऑफ, और म्यूजिक के लिए एक बटन, दो बटन है, एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए, और जैसे कि टीवी के लिए एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए, तो सिंपली, और एसी के लिए एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए। सिंपली इतना ही कोडिंग है। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन को क्लिक करूं तो अनदर स्क्रीन एक्सटेंशन ऑन हो जाए। तो ये तो रहा हमारा पूरा कोडिंग। ओके, आप समझ गए होंगे, तो मैं पूरा डिस्कस कर सकता हूं, और जैसे कि आप देख पा रहे हो तो मैं सिंपली डिजाइन कर दूं, डिजाइन के आ जाऊं, तो ये तो हो गया। तो यहां पे मैं सिंपली लिस्ट व्यू को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसको जो ही पसंद है। मैं इसको सिंपली क्या करूं, जैसे कि मुझे ग्रिड व्यू करना है, लिस्ट व्यू को, हाँ, लिस्ट व्यू विजिबल करना है और ग्रिड व्यू को अनविजिबल करना है, तो मैं वही भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रिड व्यू हट जाएगा। ओके, तो जिसको जो ही पसंद है तो इसको हटा सकते हैं, ओनली लिस्ट व्यू भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तो है, मैं सिंपली अपने हिसाब से रख लूँ और जो पसंद मुझे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पूरा डिजाइन सेक्शन ऐप के लिए। हाँ, सिंपली इसको मैं बिल्ड कर दूँ, तो जैसे कि मैं सेव ऐप के कंप्यूटर कर दूँ तो ये कंप्यूटर में सेव हो जाए। ओके, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो सिंपली ये होम ऑटोमेशन का हम जैसे प्रोग्राम में मैं सिंपली वेरीफाई कर दूं और इसको अपलोड कर देता हूं। जैसे कि यहां पे हम बोर्ड सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए होगा आर्डिनो यूनो, आर्डिनो यूनो को मैं सिंपली सिलेक्ट कर दिया, और जैसे कि मुझे पोर्ट कनेक्शन के लिए COM4 कॉम4 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये तो कंपाइलिंग हो गया है शायद, सिंपली हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अपलोड हो गया। ये है डायग्राम, इसके हिसाब से हम कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो एक 4 रिले यहाँ पे कनेक्शन किया हूँ, हम सिंपली टेस्ट कर रहेंगे एलईडी में। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 तो एक कनेक्शन हम दे सकते हैं, और SC05410 और 11 में मैं कनेक्ट किया हूँ RX and TX को। Light on, lamp on, fan on, music on, TV on, AC on, all off, all on. Light on, lamp on, light off, lamp off, light on, lamp on, fan on,
म्यूजिक ऑन, टीवी ऑन, एसी ऑन, एसी ऑफ, टीवी ऑफ, म्यूजिक ऑफ, फैन ऑफ, लैंप ऑफ, लाइट लाइट ऑफ, ऑल ऑन, ऑल ऑफ. Light on, light on. TV on, lamp on. ये तो एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था और एक फॉर्म ऑटोमेशन का, जैसे कि हम आज किए MIT App Inventor के जरिए. यदि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, आने वाले सीरीज को जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू वेरी मच.